thunder show. But pehle hum bahut udaas the, kyunki hum sirf teen the. Ek jo na bole, ek jo na sune, aur ek jo na dekhe. लेकिन आज हम एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं जिसकी वजह से चौथा बंदर पैदा हो गया जो बोल सुन देख ये तीनों नहीं कर सकता और वो प्रोडक्ट है फोन। बहुत पावर है इस फोन में। अगर आप सोच रहे हो कि आप इसे चला रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि धीरे धीरे ये फोन आपकी जिंदगी को चलाएगा। इस प्रोडक्ट के अनेक फायदे हैं। अगर आपके पास फोन है तो आपको किसी इंसान की जरूरत नहीं, किसी दोस्त की जरूरत नहीं, किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं, किसी अपने की जरूरत नहीं। फोन की वजह से आपका फोकस भी बढ़ जाता है क्योंकि आपका फोकस पूरा फोन में रहता है। आप आसपास की दुनिया से बहुत दूर हो जाते हो। आपका डाइटिंग हो जाता है क्योंकि जितना आप फोन में घुसोगे उतना आप खाना पीना सोना भूल जाओगे। पहले मैं बहुत परेशान था, बिल्कुल अकेला बैठा रहता था, पर जब से मेरे पास ये फोन आया मुझे मिल गए मेरे नए फ्रेंड्स। और माइसेल्फ फेक बुक ही और फिंस्टा ये कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अरे तू खाना खा रहा है, अपडेट कौन करेगा? हे अपडेट छोड़ो, फोटो कौन खींचेगा? ये सब छोड़, बिफोर यू ईट मेक श्योर यू डू इट। अरे बंटा खाना जल्दी खा, कितना ग्रुप तेरा वेट कर रहा है। Wow, that's so entertaining. फिर चाहे आपका सिर फट क्यों ना जाए या आंखों के नंबर बढ़ क्यों ना जाए, फोन को बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि ऐसे आर्टिफिशियल फ्रेंड्स कहाँ मिलेंगे। और भी बहुत सारे फायदे हैं जिसकी वजह से आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं। यू विल बी वेरी बिजी यू सी। फोन से आप गेम्स खेल सकते हो, फोटोज खींच सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो, चैटिंग कर। हम तो सिर्फ बंदर हैं, हम में अकल कम है, लेकिन आप तो इंसान हो, अकलमंद और समझदार हो। इतना क्या है इस फोन में कि आप इतने खो जाते हो, जिंदगी को कैसे जीना है वो भूल जाते हो। करो फोन का इस्तेमाल करो, लेकिन हद में। कुछ समय फोन को दो और कुछ अपने आप को। हम चौथे बंदरों की तरह मत बनो। ये बात सही है कि फोन के आने से हमारी जिंदगी आसान हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों के बीच की मुश्किलें बढ़ गई। ये बात सही है कि फोन की वजह से दूर बैठे लोगों से हम नजदीक हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो नजदीक है उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है। अगर हमारी कोई भी बात आपके पल्ले पड़ी हो तो शायद हम फिर कभी ना मिले, चलते हैं। और हाँ, ये सारी बातें फॉरवर्ड या मैसेज में ना करें, आमने सामने बैठ के अपने दोस्तों को समझाएं। आशा है हम कभी ना मिले, ठीक है? चलो टेक केयर एंड बाय।